हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर सांसद ने कहा कांग्रेस की घिनौनी हरकत। जालौर जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान सांसद देवजी एम पटेल ने कहा कि आरएसएस जैसी एक पवित्र संस्था को बदनाम करने की कांग्रेस ने एक साजिश रची है, इसका जनता करारा जवाब देगी। इस घिनौनी हरकत के लिए कांग्रेस को बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निम्बाराम पर कांग्रेस सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओछी से ओछी हरकत पर उतर आई है। राजनीति में निम्न स्तर के कदम उठाकर सत्ता पर काबिज रहने की गलतफहमी है। ऐसे में दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए राजस्थान में गहलोत सरकार ने घिनौनी हरकत की है। इस मामले में ना कोई शिकायत करता है और ना ही कोई राशि का लेन देन हुआ, इसके बावजूद भी एसीबी का गलत उपयोग किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ एक साजिश रच रही है। पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि आरएसएस एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसका उद्देश्य सिर्फ सेवा है। देश में आई हर विपदा में आरएसएस ने काम किया है और इस विपदा में सहयोग के लिए उन लोगों से मदद भी ली है और उस मदद की एक एक पाई का हिसाब रखा जाता है। ऐसे में राजस्थान सरकार की इस हरकत में आम जन में भी काफी आक्रोश है। जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा देश सेवा में निर्मित कार्य करने वाले एक प्रचारक पर गलत आरोप लगाए गए हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी समेत राजस्थान की आम जनता घोर निंदा करती है। राजस्थान सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचारी अफसरों और कई संस्थाओं को बचाने में लगी रहती है। विधायक ने ऐसे कई मामले की गिनाई जिसमें राजस्थान सरकार की विफलता साफ जाहिर हुई है। उन्होंने यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी के कहने पर सरकार के मुख्य सचेतक ने एक मामला दर्ज करवाया, लेकिन उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लीपापोती करके खाना पूर्ति पूरी कर दी गई। विधायक ने आरोप लगाया कि यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है और अब कोई उन्हें चारा नहीं मिलने पर गलत हरकत पर उतर आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य उद्देश्य सेवा है। सेवा कार्य करने वाले प्रचारक अपने घर वालों को छोड़कर मानव व प्राणी सेवा में लगे रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चंदा लिया जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य सेवा कार्य होता है। यह हम नहीं कहते कि हम चंदा नहीं लेते हैं, चाहे कोरोना काल हो, भूकंप की त्रासदी हो, बाढ़ की स्थिति हो, या कुष्ठ रोगियों की मदद की बात हो, या फिर विकलांगों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों की पाई पाई इकट्ठा करके मानव कल्याण के कार्य में लगाती है और उस पैसे का पूरा हिसाब रखा जाता है। इस दौरान जिला प्रमुख राजेश राणा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बलावत, उपसभापति अंबालाल व्यास, नगर अध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी सुरेश सोलंकी, महेंद्र सिंह झाब, पार्षद दिनेश महावर, मुकेश राजपुरोहित समेत कई लोग उपस्थित थे। जागरूक टीवी के जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।